हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का स्वागत है फिर से नई वीडियो में। आज का मेरा वीडियो रीट एग्जाम के इंग्लिश के यूनिट 5 की जो लेटरी फॉर्म्स है उससे रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 3rd जो थी वो कंप्लीट कर ली है। आज हम यूनिट 5 देखेंगे क्योंकि यूनिट जो 2nd है उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको साथ में ले लिया और आज एक ही वीडियो में आपकी यूनिट 5 कम्प्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेटरी फॉर्म से सोनेट, व्हाट इज अ सोनेट, फर्स्टली क्वेश्चन यही बनता है। तो सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 40 लाइन्स। द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। सो इटालियन वर्ड सोनेटो से जो सोनेट है उसकी उत्पत्ति हुई है, और जो सोनेट है वो एक शॉर्ट पोएम होती है 14 लाइनों की। तो इटालियन वर्ड सोनेटो से इसकी ओरिजिन होती है। इसका मतलब होता है एक लिटिल साउंड, लिटिल साउंड होता है इसका मतलब छोटी आवाज, या एक बर्ड ऑफ सिंगिंग, गाती हुई चिड़िया की आवाज भी इसे कहा जाता है। सोनेट एक्सप्रेस वन सिंगल थॉट, इट हैज अ फिक्स्ड राइम स्कीम। तो सोनेट क्या है, एक भाव विचार को व्यक्त करती है। इसकी एक फिक्स्ड राइम स्कीम होती है, इट हैज अ फिक्स्ड राइम स्कीम। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था चैप्टर 2 में यूनिट 2nd के कि व्हाट इज अ राइम, तो राइम वही होती है जो पोएम को प्रॉब्लम की राइमिंग स्कीम बनाने के लिए जो हेल्पफुल होती है वो होती है राइम। द थीम ऑफ अ सोनेट इज अ लव। तो सोनेट की जो थीम होती है वो क्या होती है, वो लव होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोनेट। सोनेट्स के टू टाइप्स होते हैं, पेट्रार्कन सोनेट एंड द शेक्सपियरियन सोनेट्स। जो पोइट पेट्रार्क के द्वारा जो सोनेट की स्टार्ट की गई थी, जिसकी ओरिजिन पेट्रार्क से हुई थी, इसलिए इसे पेट्रार्कन कहा जाता है। और शेक्सपियर के द्वारा सोनेट का नया वर्जन बनाया गया था, इसलिए शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। तो देखिए, दोनों सोनेट की राइम स्कीम अलग अलग है। पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम है ABBA ABBA CDC CDC। तो फ्रेंड्स, आपको पहले देखना है कि 14 लाइन है पंक्ति में, तो डेफिनेट वो आपकी सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम ABBA ABBA CDC CDC होती है। पेट्रार्कन सोनेट्स के दो टाइप्स होते हैं, सॉरी, पेट्रार्कन सोनेट्स के दो डिवाइडेशन होते हैं। फर्स्ट 8 लाइन को एक्टिव कहते हैं और लास्ट 6 लाइन्स इज कॉल्ड सेस्टेट पार्ट। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पेट्रार्कन सोनेट्स, फर्स्ट इज ऑक्टेवा एंड लास्ट 6 लाइन्स इज सेस्टेट। एंड व्हाट अबाउट द शेक्सपियरियन सोनेट। तो शेक्सपियरियन सोनेट्स जो होती है उसका जो लास्ट लाइन होता है वो एक कपलेट होता है, यानी कि टू लाइन्स का जो होती है उसे बोलते हैं कपलेट, यानी कि दोहा। तो शेक्सपियरियन सोनेट्स की राइम स्कीम है ABAB CDC CD EF EF और GG। तो आपको ये दोनों चीज याद रखनी है, पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम। और 14 लाइनों की पंक्ति होती है, इसका मतलब कहां से क्या है और इसकी ओरिजिन वगैरह आपको ये ध्यान रखनी है, इससे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए, एलिजी। एलिजी एक शोक गीत होता है जो किसी की मृत्यु पर किसी महानि पर ये गाई जाती है। तो शोक गीत है एलिजी। तो डेफिनेशन देखिए, एलिजी इज एसेंशियल पोएम ऑफ मॉर्निंग और लेमिनेशन ऑन द लॉस ऑफ अ पर्सन और ऑन द डेट ऑफ समवन वेरी डियर, सम बिलव्ड एंड फ्रेंड इन पैटर्न। तो फ्रेंड जो एलिजी है वो एक मॉर्निंग यानी कि शोक गीत है, एक लेमिनेशन शोक है, ऑन द लॉस नुकसान पर ऑफ ए पर्सन या डेथ के होप ऑफ सम वेरी डियर, किसी मृत्यु किसी बहुत करीबी की मृत्यु पर या किसी इंसान के चले जाने पर, एक जन हानि पर भी या किसी प्रकार का भी लॉस हो, जैसे हैजा बीमारी से किसी जगह तबाही हो गई हो, तो वहां पर अगर पोएम लिखी जाती है उस टॉपिक पर तो उसे भी एलिजी कहेंगे। सम बिलव्ड किसी प्रेमिका के ऊपर, फ्रेंड पर और पैटर्न यानी कि संबंधी रिलेटिव पर। तो देखिए, मैं फेमस एग्जांपल ऑफ एलिजी, तो मिल्टन की लिसिडस काफी फेमस एलिजी है, टेनिसम की इन मेमोरियम एंड फ्रेंड थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई थी एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, थॉमस ग्रे और मिल्टन की लिसिडस और टेनिसम की इन मेमोरियम, ये काफी फेमस एग्जाम्पल है। तो ये थी आपकी एलिजी, एक शोक गीत होता है, छोटी पोएम होती है। देखिए नेक्स्ट है ड्रामा। ड्रामा है जो है ये एक लिटरेचर का पार्ट है, प्रोज राइटिंग में ड्रामा होते हैं। तो ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इट इज रिटन
टू एंटरटेन द ऑडियंस बाय परफॉर्मिंग ऑन द इट ऑन द स्टेज। जो ड्रामा होता है ये लिटरेचर का एक पार्ट है, यानी कि साहित्य का एक पार्ट है। यह ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए लिखा जाता है, परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर। तो ड्रामा जो होते हैं स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं, आपने देखे भी होंगे ड्रामा स्कूल होते हैं। द टिपिकली एलिजाबेथन ड्रामा हैड फाइव एक्ट। ड्रामा की जो मेनली जो ओरिजिन होती है वो एलिजाबेथन पीरियड से होती है, और उस टाइम के जो ड्रामा होते हैं उनमें फाइव एक्ट होते थे। ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो ड्रामा में होता है प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, एटमोस्फियर और लाइफ लाइक अ सिचुएशन। तो फ्रेंड लास्ट है सिचुएशन। तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं कि ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ द ड्रामा। तो ड्रामा के टू टाइप्स होते हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी। तो ट्रेजेडी होती है जो भी ड्रामा होता है, प्ले होता है, उसकी जो अगर एंडिंग सैड एंडिंग होती है तो उसे ट्रेजेडी कहेंगे। अगर ड्रामा की एंडिंग हैप्पी होती है तो हैप्पी एंडिंग जो भी होती है वो उसे कॉमेडी कहेंगे। शेक्सपियर के द्वारा काफी फेमस ट्रेजेडीज है, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, तो ये और कॉमेडीज में है एज यू लाइक इट वगैरह, काफी फेमस कॉमेडीज है शेक्सपियर की। अब देखते हैं लास्ट है हमारा शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इट आल्सो ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा दोनों ही लिटरेचर के टाइप्स होते हैं, फॉर्म होते हैं, रिटन इन प्रोज स्टाइल, ये प्रोज स्टाइल में लिखे जाते हैं। द मेन पर्पज ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी टू किल द टाइम ऑफ अ रीडर्स, की रीडर्स जो होते हैं उनके टाइम को कम करने के लिए शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है। द ओरिजिन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द क्लासिकल रोमांस पीरियड। जो क्लासिकल रोमांस पीरियड है उससे इसकी ओरिजिन होती है। अ शॉर्ट स्टोरी हैज प्लॉट एंड कैरेक्टर। देखिए ड्रामा एंड शॉर्ट स्टोरी में दो मेजर डिफरेंस है कि ड्रामा जो होता है उसमें फाइव कैरेक्टरिस्टिक देखी हमने, प्लॉट, कैरेक्टर, स्टोरी सब होता है, लेकिन एक शॉर्ट स्टोरी में सिर्फ एक प्लॉट और कैरेक्टर ही होता है और इसमें एक डायलॉग और एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो इट लैक्स डायलॉग एंड एटमॉस्फेयर, डायलॉग और एटमॉस्फेयर नहीं होता है वो शॉर्ट स्टोरी होती है। शॉर्ट स्टोरी इट हैज लेस देन 15,000 वर्ड्स होते हैं, जो 15,000 वर्ड होते हैं वो शॉर्ट स्टोरीज में होते हैं। और फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर है द फेमस एंग्लो इंडियन राइटर जो आर के नारायण है, वो फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और आर के नारायण की मालगुड़ी ड्रेस जो है शॉर्ट स्टोरीज में कंसिडर की जाती है, फेमस शॉर्ट स्टोरी है। तो ये थे फ्रेंड्स आपकी शॉर्ट स्टोरी लिटरेरी फॉर्म्स, यूनिट फिफ्थ आपकी कम्प्लीट हो गई है इंग्लिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट थर्ड देखेंगे मॉडल ऑक्सरीज पर। तो आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो नॉलेज प्लेनेट इंडिया को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इसी तरह की रीड से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स साइकोलॉजी के भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी देख लिए, आपके लिए रीड एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।